ड्रग्स पार्टी मामलें शाहरुख खान पुओ आर्यन खान गिरफ होता बेले एनसीपी तदंत उपर प्रश्न उठाई एनसीपी नेता तथा महाराष्ट्र मंत्री नवाब मल्लिक क्रूज रेप पार्टी में सामिल होता तीन जन को छाड़ी एनसीपी एभली सांघातिक अभियोग नवाब मल्लिक से कहते समीर वांगड़े कहवा अनुसार पार्टी में सामिल होता 8-10 जन को अटक रखा किंतु से समय एनसीपी कब्जा थे 11 जन 8 जन को एनसीपी गिरफ करता बेले बाकी 3 जन को छाड़ी एनसीपी कहा निर्देश में एभली पदक्षेप नहीं बीजेपी नेता मोहित कंबोज संपर्क को छाड़ दि जाने ऋषभ सचदेवा प्रतीक गावा एवं अमीर फर्नीचरवाला एनसीपी कहा निर्देश रे मान को छाड़ी बोली प्रश्न कर एनसीपी तेणु घटनार उचित तदंत होगा आवश्यक बोली नवाब मल्लिक सेपटे यार जवाब रखी एनसीपी डेप्युटी डीजी घनश्याम सिंह कहते अक्टोबर 2 तारीख में क्रूज उपर चढ़ाव होता 8 जन को मामलें धरीला एनसीपी पचरा उचरा पर 6 जन को छाड़ दि जाता 6 जन विरोध में कौन प्रमाण नाला अन्य मानंक विरोध में प्रमाण मिलितबारु सेमानंकु गिरफ करितिला एनसीबी एनसीबी एक निरपेक्ष संस्था यार तदंत उपर प्रश्न उठाइबा एवं तदंत को नहीं राजनीतिक रूप देवा दुर्भाग्यजनक एनसीबी कहिछि एनसीपी अभियोग भित्तिहीन बोली कहिछन्ति डेप्युटी डीजी घनश्याम सिंह सेपटे बीजेपी आउपरे जवाब रखिछि एपटे आर्यन खान को एनसीबी जेरा करुथिबा बेले तांको गाड़ी ड्राइवर स्कानर को आसन्ति 14 दिनिया विचार विभाग हाजत में अछन्ति समस्त अभियुक्त सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की, रेड आपकी 12 घंटे तक चली, उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। As per the due procedure established by law of land, independent public witnesses are mandatorily required. A total of 9 independent witnesses were involved in the whole operation, and Mr. Manish Bhanushali and Mr. K.P. Gosavi were among them. None of the independent witnesses, including the 2 names above, were known to NCB prior to this. As high profile persons were detained in the said case to avoid any unwanted leakages of information and safety of the detained persons, they were rushed to the safety at NCB office to avoid large crowds and numerous cameras gathered. भैया आपको बीजेपी के साथ में जो झगड़ा है हमसे निपटाइए। आप प्रशासन को एक एक अधिकारी को, फिर वो समीर वानखेड़े हो या कोई ईडी का ऑफिसर हो, उसके ऊपर इस प्रकार से गंदे आरोप करके आप उनको डिस्टर्ब करना चाहते हो क्या? समीर वानखेड़े अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो नवाब मलिक की सरकार है, उनके पुलिस कमिश्नर डीजी होम मिनिस्टर लिख सकते हैं केंद्र सरकार को, लेकिन मैं नवाब मलिक को चेतावनी देना चाहता हूं, इस प्रकार से घोटालेबाज ड्रग कार्टेल के प्रवक्ता बनोगे तो हम महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। अच्छे ऑफिसर के साथ में जनता खड़ी है।